राम मंदिर के लिए परिसर में फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रस्ट की बैठक के बाद जो फाउंडेशन को पत्थरों से तैयार करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके बाद जो है यह कार्यशालाओं में हलचल तेज हो गई है। हम इस समय रामसेवकपुरम कार्यशाला में हैं। देखिए किस प्रकार से पत्थरों को यहाँ रखा हुआ है। इन पत्थरों के साथ साथ और पूरे जगह को पूरी तरह साफ सफाई कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जल्द ही पत्थरों का अहमद अयोध्या में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो नींव तैयार किए जाने हैं वो भी अब पत्थर के ही बनेंगे, जिसके ऊपर ट्रस्ट ने मोहर लगा दिया है। अब उसके बाद तैयारियाँ यहाँ शुरू कर दी गई हैं, पूरी साफ सफाई की जा रही है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए जो है जो तराशी का कार्य किया जाना है, उसके लिए भी पत्थरों को लगभग 1 लाख घन फुट पत्थरों की आवश्यकता होगी, जिसकी जिसको जो जल्द ही अयोध्या पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से जो प्रतीक्षारत थे, अब वो घड़ी भी समाप्त होने वाली है। जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अयोध्या से सत्यप्रकाश, पत्रिका टीवी के लिए। किस तरह की तैयारी है? काम तो जब हमारा मंदिर का शुरू होने की तैयारी है, तो पहले नींव के ऊपर थोड़ा सा आपस में निर्णय नहीं हो पाया था, वो निर्णय हो गया है आपकी दिल्ली की बैठक में कल, कि नींव जो है वो सब पत्थरों से ही हम नींव को तैयार करेंगे। तो फिर वो पत्थर आएगा और हमको 15 सिर काम शुरू करना है, तो सब जगह जगह तैयार करके उसको रखने की व्यवस्था वगैरह सब उसी व्यवस्था से हो रही है। हमारा रामसेवकपुरम ही पत्थर का स्टोर का की जगह है, और जो कार्यशाला है वहाँ पर पत्थर तैयारी तराशी जाती है। तो तराशे हुए पत्थर और पत्थरों का तराशना ये कार्यशाला में होता है, और रामसेवकपुरम में जो पत्थर आते हैं वो सब वहाँ पर रखे जाते हैं, और वहीं पर उनकी फिनिश उनकी सफाई होती है। तो इसलिए रामसेवकपुरम में तैयारी हो रही है रखने की। एक पत्थर तो वैसे हमारे सब राजस्थान से अब तक आए हैं, भरतपुर के एक बंसी पारपुर का स्थान है, तो वो पत्थर तो मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग होंगे, कि नींव में मजबूत और कठोर पत्थर चाहिए तो वो मिर्जापुर में उपलब्ध हैं, तो वो इसलिए नींव के पत्थर तो मिर्जापुर के ही आएंगे, ऐसी संभावना है। बस काम शुरू हो गया, तैयारी हम लोग तो जब काम शुरू करते हैं तो फिर युद्ध स्तर पर ही काम को शुरुआत करते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर यथाशीघ्र बने, इसके लिए हमारे जो निर्माण एजेंसियां हैं L&T, TCE और ट्रस्ट के जो इंजीनियर्स हैं सब उसमें लगे हुए हैं। जब तक हमारी नींव की डिज़ाइन और ये सब फाइनल हो रहा है, तब तक और काम गति से चलता रहे जिससे वो समय बचाया जा सके, इसलिए कार्यशाला में रखे गए तराशे हुए पत्थरों को की सफाई, उनको उसी क्रम में रखना जिस क्रम में मंदिर में लगाया जाना है, सफाई करने के बाद उनको उसी क्रम में कोडिंग करके रखा जा रहा है, जिससे फिर बाद में उनको खोजने में समय न लगे, तत्काल उठा करके यथास्थान रखा जा सके। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। लगभग तराशे गए पत्थरों में 60-70% पत्थरों की का चिन्हांकन हो चुका है, उनकी कोडिंग हो चुकी है और उनकी लगभग सफाई भी हो गई है। जो कुछ पत्थर बचे हैं उनका भी शीघ्रात शीघ्र सफाई हो जाएगी, फिर हम उसको शिफ्ट करके परिसर में ले आएंगे। कार्यशाला शुरू करने का काम तो हमारे निर्माण में लगी एजेंसी का काम है, और वो कारीगरों को तभी ले आएंगे जब पूरी मात्रा में पत्थरों की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त होने के बाद वो काम शुरू कराएंगे, नहीं तो थोड़े से पत्थर में काम शुरू कराना और फिर रोक देना ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे पास 2 महीने का काम जो हमारे तराशे गए पत्थर हैं उन्हीं का है, तब तक हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, और एजेंसियाँ भी ऐसे काम करने वाले कारीगरों को खोज रही हैं, ले आएंगी। उसके बाद ये काम कार्यशाला जिसको आप कह सकते हैं वो यहाँ भी शुरू होगी और वहाँ भी शुरू होगी। जैसे यहाँ जो पत्थर रखा है वो थोड़ी मात्रा में, वो भी कार्यशाला शुरू होगी, और जहाँ पत्थर और खरीदे जाएंगे उसके आसपास भी इस प्रकार की कार्यशालाएँ शुरू की जाएंगी, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी पत्थर तैयार करके मंदिर में लगाने के योग्य बनाया जा सके।